दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों हम खेत आए हुए हैं और आप लोग को हम दिखाएँगे कि हमारे खेत में क्या काम है, क्योंकि हमारे खेत में आज बहुत बड़ा ही काम है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताया करिए, जिससे हमें भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते और कुछ लोग कमेंट करते तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मैं उन सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपने बहनों पर बनाया करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम फाइनली अपने खेत आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ जो है खेत खलियान ही दिख रहा है और ये हमारी कुटिया है, ये हमारी मड़ई है। तो यहाँ से मैं कुछ लेने आई हूँ। पापा बोल रहे थे कि कुदाल लेकर आओ क्योंकि आज खेत में खुदाई होगी। तो देखिए मैं अपनी मड़ई में आ चुकी हूँ। पहले इस मड़ई में जो है पापा सोते थे, लेकिन अब नहीं सोते हैं। जब से मतलब ठंड पड़ रही थी बीच बीच में सोते थे, कभी और कभी नहीं सोते हैं। लेकिन अब बोल रहे हैं कि कभी आएंगे सोने के लिए, इस टाइम नहीं आ रहे क्योंकि भूसा उसा दवाए बहुत ज़्यादा ही गर्दा बढ़ गया है मड़ई में। मैं कुदाल ले चुकी हूँ और खेत में जो है खुदाई होगी। और पापा और दीदी पहले से ही खेत आए हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ उन लोग को भी कि वह लोग क्या कर रहे हैं। और गन्ने वाले खेत में ही आज हमारी खुदाई होगी। तो दोस्तों देखिए मैं अपने गन्ने वाले खेत में आ गई हूँ और यहाँ पे गन्ने वाले खेत में खुदाई हो रही। तो आप लोग देख सकते दीदी और पापा पहले से ही आए हुए हैं और दीदी लग गई हैं खुदाई करने में। पहले तो पापा ही आए थे सबसे पहले और उन्होंने ही थोड़ा बहुत खुदाई की थी और बाद में दीदी भी आती हैं। तो फिर पापा और दीदी दोनों लोग मिलकर ये खुदाई कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। और खुदाई करने में कितना ज़्यादा मेहनत होता है वह तो किसान ही एक जानते हैं। और ऊपर से पापा की तबीयत भी ख़राब है, फिर भी वह खुदाई करने के लिए आ गए हैं। आप लोग को पता ही है कि उनके पैर में दर्द है और उन्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना है। और ऊपर से बीच बीच में पापा काम पर भी चले जाते थे। क्या करें, घर पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है तो उन्हें देखा नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ करने में लग जाते हैं। तो ऐसे ही आज खेत भी आए हैं और देख रहे थे खेत लिया। और ऐसे में नहीं गन्ना बोया जाएगा तो पूरा खेत ही ऐसे खाली रह जाएगा और सूख जाएगा। तो इसलिए पापा आ गए हैं खुदाई करने में। तो देखिए पापा और दीदी दोनों लोग खुदाई करने में लग जाते हैं। और उसके बाद मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ खेत और मैं भी लग जाती हूँ खुदाई करने में। मैं सोची चलिए आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी खुदाई। दीदी तो पहले से ही मतलब इस खेत की घास को साफ कर रही थी और खेत में का घास जो है आधा साफ़ हो गया है। तो इसलिए आज जो है खुदाई भी शुरू हो गया है। अभी आधे खेत का जो है घास साफ़ करना है और घास साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो जाता है। ऊपर से ये बाजरा जो है सॉरी दोस्तों ये गन्ने का पत्ता जो है बहुत ज़्यादा ही फाड़ता है। जो लोग गांव में रहते होंगे और ये सब काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि गन्ने वाले खेत में कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करने में। उसके बाद मैं बोलती हूँ दीदी दीजिए अब हम खुदाई करते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से ही खुदाई कर रहे हैं। तो देखिए फिर मैं लग जाती हूँ खुदाई करने में। और खुदाई करने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही थकान भी हो जाता है। इस काम को करने में जितना देखने में आसान रहता है उतना करने में आसान नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदाई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें ही महसूस होता है कि कितना दर्द होता है खुदाई करने में। तो दोस्तों देखिए एक साइड का हमने जो है मिलकर खुदाई कर ली और उसके बाद दूसरे साइड आ जाते हैं। तो इधर ज़्यादा खुदाई नहीं करना है। तो एक तरफ पापा खुदाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं खुदाई करने में लगी हूँ। और ऐसे ही मिलकर हम सारे लोग जब भी खुदाई या कुछ भी काम करते हैं तो जल्दी ही हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी मिलजुल कर कोई भी बड़ा काम रहे तो उसे मिलजुल कर करेंगे तो काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो देखिए इधर की खुदाई हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा है तो उसे भी हम और पापा मिलकर कर देते हैं। और पापा को तो ज़्यादा काम करना भी नहीं है, फिर भी पापा देखिए कैसे कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी सबको सब कुछ करा देती है। अगर आज हमारी भी किस्मत अच्छी रहती तो इतना कुछ हमें नहीं करना पड़ता और हम लोग पापा को भी नहीं करने देते। ऊपर से इनकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन क्या करें, हालात ही सबको सब कुछ करा देता है। कहते हैं ना, ये बात सच है। सब बातें छोड़ी। और दोस्तों देखिए इधर की खुदाई लगभग हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा है तो मैं इसे अकेले ही खुदाई कर देती हूँ। और पापा चले गए दूसरे साइड, तो उधर भी थोड़ा बहुत खुदाई करना है, तो बोल रहे थे कि तुम जो है इधर खुदाई कर लो और उधर का मैं कर देता हूँ। तो देखिए मैं इधर लग जाती हूँ खुदाई करने में। और दोस्तों जिन जिन लोग को खुदाई करने नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखिए और आप लोग भी खुदाई कीजिए और अपने खेतों में ढेर सारी सब्जियाँ बोइए और भी कुछ बोइए जो जो खाते हैं आप लोग। तो हम लोग जो है अपने खेत में सब्जियां बो चुके हैं और उसके बाद इस गन्ने वाले खेत में खुदाई इसलिए कर रहे हैं कि ये गन्ना जो बचा हुआ है कुछ उसे इसी में गाढ़ा जाएगा और गन्ना जो है बोया जाएगा, क्योंकि इतने गन्ने में कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग लग गए हैं गन्ने वाले खेत में खुदाई करने के लिए, क्योंकि इसी में जो है नए गन्ने को बोएंगे जिससे ढेर सारे गन्ने होंगे। और दोस्तों उससे पहले आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं इंतज़ार करूँगी कि किन किन लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी छोटी बहन को एक लाइक करना न भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हमारे खेत की खुदाई पूरी हो चुकी है। फाइनली थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो पापा उसे खुदाई कर देते हैं, और उसके बाद बोल रहे थे कि अब रहने दो, अब कल आएंगे फिर खुदाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है इस गन्ने वाले खेत में बहुत ज़्यादा खंजाड़ है, यानी घास फूस भी है, तो उसे भी साफ़ करना पड़ेगा। 2 दिन पहले इसी में का जो है दीदी साफ़ की थी घास, तो इसलिए आज जो है खुदाई हुआ है और फिर से घास जो है आधे खेत में पड़ा हुआ है। तो पहले जो है घास को साफ़ करेंगे और उसके बाद खुदाई होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखिए अब हम जो है ये घास की थी दीदी तो इसे रख लेते हैं एक दुपट्टे में और उसके बाद घर के लिए रवाना हो जाते हैं। फाइनली दोस्तों आज तो बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया है, वैसे भी ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि हम भी किसान के ही बच्चे हैं तो ज़्यादा नहीं थकते हैं जैसे किसान लोग नहीं थकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम घास बांध चुके हैं और उसके बाद मैं अपने सर पे उठवा लेती हूँ पापा से, और फिर हम जो है घर के लिए चल देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी काम करना था अपने सब्जियों वाले खेत में। तो देखिए हम अपने सब्जी वाले खेत में आ गए हैं, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है क्योंकि शाम हो गई है। तो दीदी यहाँ पे आ गई हैं सब्जी वाले खेत में, इसमें भी कुछ काम करना है। तो ये देखने लगी हैं कि करेली फरा या नहीं, ये करेली का पौधा है तो आप लोग भी देख सकते हैं 3 से 4 करेली फरी थी। तो कह रही थी तोड़ लेते, तो पापा कह रहे थे नहीं रहने दो, 3-4 में कुछ होने वाला नहीं है, बाज़ार से भी कुछ सब्जियां आ जाएंगी और फिर उसके बाद इससे भी तोड़ कर ले जाना, तो एक ही में जो है मिक्स मतलब करके बन जाएगा। तो फिर दीदी हट जाती हैं और उसके बाद चली जाती हैं धनिया वाले खेत में, क्योंकि उसमें से धनिया तोड़ेंगी। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये लग गई हैं धनिया को तोड़ने में। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं आप लोग को और भी कुछ दिखा देती हूँ कि हमारे सब्जी वाले खेत में क्या क्या फरा है और क्या क्या बोया गया है। तो हमारे सब्जी वाले खेत में जो है लौकी, कोहड़ा और ये पालक भी है, धनिया भी है, और भी भिंडी उंडी का पौधा है। तो वह सब अभी फरे उरे नहीं है, बस धनिया और पालक ही खाने वाले हैं। और ये करेली दिखाई थी वह भी एक दिन तोड़ कर गया था, वह भी फर गया है। और उसके बाद इधर देखिए कोहड़ा है, इसमें भी फूल लगा हुआ है, और फिर लौकी का पौधा है तो उसमें भी फूल लगे हुए हैं। अभी लौकियों की फरे नहीं, थोड़े थोड़े छोटे हैं। और फिर दीदी लग जाते हैं यहाँ पे मूली तोड़ने में। सॉरी दोस्तों मूली को तोड़ा नहीं जाता है, उखाड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये उखाड़ने में लगी हुई हैं। और उसके बाद हम लोग घर पे आ जाते हैं, तो घर पे आते ही देखते हैं कि भैया जो है चाउमीन लाए हैं। तो देखिए हम बहनें लपट जाते हैं चाउमीन खाने में, और चाउमीन हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसे हम लोग बहुत ही मन से खाते हैं। डेली हमारे घर नहीं आता है, कभी काली आ जाता है, तो इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। तो देखिए मैं और अमृता लेकर बैठ गए हैं खाने में, और दीदी पापा पहले खा चुके हैं और भाभी उभी को मतलब अंदर दे दिया गया। और बाबू को देखिए ये मस्ती करने में लगा हुआ है, और ये तो इस टाइम जो है पानी बहुत ज़्यादा ही पी रहा है, इसलिए ग्लास लेकर इधर उधर घूमता रहता है। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए।